कोई योगी साधक योग आसन और प्राणायाम का अभ्यास करता है तो उस अभ्यास का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आसन और प्राणायाम अभ्यास के साथ साथ बंध का उपयोग करता है। ठीक है, बंध से क्या आप समझते हैं? बंध का अर्थ हम बताते हैं आपको। बंध बंध शब्द का अर्थ होता है बांधना, नियंत्रित करना या संकुचन। किससे बांधेंगे? रस्सी से नहीं बांधना है। क्या करना है? अपने शरीर के अंगों से विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम के दौरान विभिन्न प्रकार के तंत्रों को संकुचित करने का, नियंत्रित करने का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं बंध, जिसका अभ्यास हम योग के अंतर्गत करते हैं। इन योग अभ्यास के बंध के माध्यम से विभिन्न प्रकार की हमारी जो सुसुप्त नाड़ियां होती हैं, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर चक्र होते नहीं होते, उन चक्रों को अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करने का काम कौन करता है? बंध करता है। बंध के अभ्यास के माध्यम से शरीर के अंतर्निहित शक्तियों को जागृत किया जाता है और विभिन्न प्रकार की दिव्य अलौकिक जो शक्तियां होती है, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, उसको जागृत करने का प्रयास बंध के माध्यम से होता है। इसलिए योगी साधक आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते समय विभिन्न प्रकार के बंधों का उपयोग करते हैं। जैसे तीन प्रकार के बंध की बात होती है, कितने प्रकार के? तीन प्रकार, जालंधर बंध, रुबिया बंध और मूल बंध। जालंधर बंध का संबंध कंठ संकुचन से होता है। इससे कंठ संकुचन, कंठ मतलब जो हम श्वास ले रहे हैं, ये कंठ होता है। कंठ के संकुचन बांधने, कसने, संकुचित करने का जो कार्य होता है आसन और प्राणायाम के दौरान, उसको हम कौन सा बंध बोलते हैं? दूसरा होता है आपका उद्यान बंध। उद्यान बंध का संबंध उदर भाग से, उदर मतलब पेट, ये उदर होता है, उदर भाग पेट के मांसपेशियों आंत अमाशय के संकुचन का कार्य जब करते हैं उसको हम बोलते हैं उद्यान। तीसरा होता है मूल बंध। क्या होता है? मूल बंध। मूल बंध, मूल बंध का संबंध गुदा या मूलाधार से होता है। जो हमारे उत्सर्जन तंत्र होते हैं शरीर से, जो चीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं? बाहर प्रत्याग करते हैं। तो मूल गुदा या योनि अंग जो होते हैं, उन यौन अंगों के संकुचन जब हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मूल बंध। इन तीनों प्रकार के समय कंठ श्वसन तंत्र का, पाचन तंत्र पेट की मांसपेशियों का, और गुदा या यौन अंग का जब हम संकुचन, तीनों का किसी आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते समय तीनों बंधों को, कौन कौन से? तीनों बंधों को एक साथ लगाने का प्रयास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भाई बात समझ में? जालंधर बंध, जालंधर बंध का संबंध श्वास नली के संकुचन से होता है। इसमें जो बॉडी होती है जो चित्र बना हुआ है, ठीक है, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, किसी आसन में योगी साधक बैठ जाता है, उसके बाद श्वास को अंदर लेने के बाद क्या करता है? श्वास को अंदर लेने के बाद अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक दोनों, कुंभक का मतलब होता है श्वास को अंदर लेके रुकने वाला, और अंतर कुंभक होता है जिसको बोलते हैं बहिर्कुंभक, मतलब श्वास को बाहर निकालने के बाद रुकना। ये दो प्रकार के कुंभक होते हैं, अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक। दोनों क्रिया के दौरान योगी साधक जो है अपने ये रुद्धि को, जो हसली इसको बोलते हैं, यहाँ पे श्वास लिया और रुक लिया, उसके बाद उसे लाभ करके संकुचित करके रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इससे जो है विभिन्न प्रकार के दवा अलिद्रा आदि रोगों को दूर करता है, मानसिक विश्राम प्राप्त होता है, और श्वसन संस्थान के जो अंग होते हैं, कार्य होते हैं, वो नियंत्रित होते हैं। ठीक है, नंबर दो, उद्यान बंध। इस बंध का संबंध हाथों के संकुचन से होता है। किसके संकुचन से? हाथों के संकुचन से होता है। इसमें शरीर पर लगाया गया बंध, जो हमारा फेफड़ा होता है, जैसे चित्र में दिख रहा है, इसको तगाड़ी मुद्रा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तगाड़ी मुद्रा। तगाड़ी मतलब तला। क्या होता है? तला। आसन के दौरान, प्राणायाम के दौरान जब हम इस बंध का उपयोग करते हैं उद्यान बंध का, तो जो हमारा पेट होता है, ठीक है, देख रहे हो, उसको क्या करते हैं? अंदर की तरफ पेट जो होता है, ऐसे बैठे रामदेव देखो, हम रामदेव पर करते हैं, ठीक है, पेट को क्या करते हैं? अंदर तरफ, पेट की जो आंत है ये ऊपर चढ़ता है डायफ्राम की तरफ अंदर, और पेट का आकार ऐसे रीढ़ की हड्डी से अंदर की तरफ चिपक जाता है, और पेट ऐसे हो जाता है, मतलब तगाड़ी।
तकारी मुद्रा में आ जाता है। पेट जो हाथ होता है वो गया परम ऊपर तरफ कट जाता है और पेट जो है एकदम तालाब की जैसे तकारी मुद्रा में आ जाता है। इस प्रकार से घूमने का प्रयास करते हैं, बंद लगाने का प्रयास करते हैं, इसको बोलते हैं हमिया बंद। नेक्स्ट तीसरा है मूल बंद का संबंध गुदा के संकुचन से होता है। गुदा सहित अंडकोशों के ऊपर की ओर खींचने की क्रिया। आपका जो यौन अंग होते हैं ठीक है, गुदा और यौन अंग, महिला है या पुरुष दोनों के लिए, दोनों प्रयास करते हैं इसका। अपने यौन अंगों को साथ साथ गुदा को क्या करते हैं, कसने का, कसाव लेने का प्रयास। बैठ कर सुखासन में वज्रासन बैठते हैं, उसको बाद ताकत लगा आंतरिक शक्ति ताकत से मांसपेशियों क्या करते हैं, गुदा की मांसपेशियां और यौन अंग को मांसपेशियों को संकुचित अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, रोकने का और फिर धीरे 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 छोड़ने का प्रयास करते हैं। एक सेकंड, पांच सेकंड, दस सेकंड तक फिर उसके रिपीटेशन करते हैं, तीन बार, चार बार, पांच बार, इस प्रकार को संकुचित करते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ते हैं और श्वास श्वास क्या रहता है, समान रहता है। और अपने जो गुदा अंग है और जो यौन अंग है उन अंगों को संकुचन का कार्य करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और यह महाबंध दिखा रहा है, जब किसी आसन और प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ जालंधर बंद, उद्यान बंद और तीनों को एक साथ लगाते हैं, तीनों संकुचन, पाठी द्वार का संकुचन, श्वास लेनी, उदर भाग, पेट के संकुचन, पेट के अंगों की मांसपेशियों का संकुचन और उदर, तीनों का संकुचन एक साथ संकुचित करने का प्रयास करता है, रोकने का प्रयास करता है, तीनों का समन्वय एक साथ देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, महाबंध के नाम से जाना जाता है। ये है तीन प्रकार के बंध, जालंधर बंध, उदयान बंध और मूल बंध। जालंधर बंध का संबंध किससे है, कंठ से, श्वसन बंध किससे है, श्वसन, कंठ के संकुचित करने का जो कंठ श्वास नल क्या है, श्वास लेने का मार्ग है, उसको संकुचित और नियंत्रित करने का कार्य किसके अंतर्गत होता है, जालंधर बंध। दूसरा उदयान बंध का संबंध किससे है, उदर भाग, पेट की मांसपेशियों के पेट के पाचन क्रिया के अंग तंत्रों को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है, क्या बोलते हैं हम, कौन सा बंध, उद्यान बंध। तीसरा मूल बंध का संबंध किससे है, गुदा द्वार के संकुचन से होता है, उस पर जब बंध लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, और तीनों बंधों को एक साथ लगाने का कार्य करते हैं, उसको हम बोलते हैं महाबंध। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। बंध हमारे शरीर के अंग विशेष की क्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं तथा उनकी कार्य क्षमता को बेहतर बनाने बनाते हैं। इसलिए योगी साधक आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते समय बंध के साथ करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके, लाभ प्राप्त हो सके और शरीर के जो अंग है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और शरीर के विभिन्न प्रकार के जो आंतरिक अंग हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी हैं, उनको नियंत्रित कर संकुचित कर बेहतर बनाने, पाचन शक्ति को, श्वसन शक्ति को, श्वसन तंत्र को और उसके साथ साथ उत्सर्जन बेहतर पढ़ाने का कार्य करता है। इसलिए योगी साधक जब भी आसन प्राणायाम का अभ्यास करता है तो जब नियमित अभ्यास करने के बाद वो अभ्यास हो जाता है, उसके बाद उसको और ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए जो है अपने आसन और प्राणायाम अभ्यास के साथ साथ बंधों का भी उपयोग करना चाहिए, उससे उसके शरीर के आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं, निष्पुत बनते हैं, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, साथ ही साथ जो हमारे शरीर की आंतरिक शक्ति है, जो हमारे शरीर में सात कितने चक्र पाए जाते हैं, सात, उन सातों चक्रों को जागृत होने के बाद ही शरीर की जो कुंडलिनी शक्ति होती है, चमत्कारिक दिव्य शक्तियां जो होती हैं, वो जागृत होती है। जब चक्र जागृत होता है तो चक्र जागृत होने के बाद सातों चक्र, हमारे शरीर में सात प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, उन सातों चक्रों को जागृत होने के बाद कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और उस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में बंधों का सबसे बड़ा योगदान होता है। आसन और प्राणायाम के अभ्यास के साथ साथ योगी साधक बंध का उपयोग करता है, इस बंधों का उपयोग करने के साथ साथ कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में विशेष योगदान होता है। ठीक है, समझ में आया, यस सर, एग्जाम में आएगा, यस सर, थैंक यू।